नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करने पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय जोहार से करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। गडकरी का कहना है इस बार लोकसभा चुनावों में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे, ना ही चाय पानी पिलवाएंगे। उन्होंने आगे कहा जिसको वोट देना है वो खुद आकर देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पहले कार्यक्रम के तहत उन्होंने अहमदाबाद के सरखेज में ओकाफ लेक के रिनोवेशन के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद भदाज, ओगंज और जगतपुर में नई झील, त्रागढ़ में सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अहमदाबाद में 1651 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते, वे दलित आदिवासियों के लिए भी काम नहीं करते। उनका काम तो ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत और हिंसा फैलाने का है। यह काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा है। राहुल शनिवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पुलाई कला में सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल हुए। भारतीय वायुसेना ने 91वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में शौर्य दिखाया। राजधानी के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर यह किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो था। एयर शो में सबसे पहले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से आकाशगंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में पैराशूट से स्काई डाइविंग की। मनु आभान टेकरी से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स के उड़ान भरने के बाद ध्वज फॉर्मेशन में 4 चेतक हेलीकॉप्टर्स उड़े। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण देना है तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी दें, अति पिछड़ा का भी कोटा तय कर दीजिए तब तो ठीक होगा, वरना महिला आरक्षण के नाम पर बॉब कट और क्रीम पाउडर लिपस्टिक वाली औरतें नौकरी में आ जाएंगी, फिर क्या आपके घर की महिलाओं को उनका हक मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एक हफ्ते चलेगा। भारत मंडपम में पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ही सब कर लेगी, इस सोच से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिन जिन ब्लॉक या जिलों में समाज को जोड़ने की ताकत है वहाँ परिणाम जल्द मिलते हैं। भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा भारत को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि वो हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल होने लगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। RBI ने सर्कुलर जारी करके कहा विड्रॉवल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से उत्थान के लिए 4500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3500 करोड़ रुपए से उन लोगों को बसाया जाएगा जिनके घर इस आपदा में पूरी तरह तबाह हुए हैं, जबकि 1000 करोड़ रुपए MLA फंड और मनरेगा के तहत डंगे लगाने पर खर्च किए जाएंगे। यह सारा पैसा स्टेट का है, केंद्र का इसमें एक भी पैसा नहीं है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।